आज दिल्ली में व्यापार बंद है। व्यापारियों का महा आंदोलन जिसका नाम दिया गया है चलो रामलीला मैदान और सीलिंग के विरोध में इस महा आंदोलन के जरिए आज व्यापारी सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के चलते दिल्ली के तमाम बड़े बाजार आज आपको बंद नजर आएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में मौजूद है और यहाँ पर आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से दुकानों के शटर यहाँ पर बंद है। ज्यादातर दुकानें आपको कनॉट प्लेस में बंद नजर आएगी। हालांकि कुछ रेस्टोरेंट्स या बैंक्स की बात करें तो वो जरूर ओपन है, लेकिन उसके अलावा ज्यादातर दुकान कनॉट प्लेस में बंद है। और क्योंकि कनॉट प्लेस न सिर्फ दिल्ली का बल्कि दुनिया का एक बेहतरीन मार्केट है, इसलिए यहां पर विदेशी सैलानी भी पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार सीलिंग दिल्ली के अलग अलग बाजारों में हो रही है उसकी ये तस्वीर नजर आ रही है आपको। विरोध स्वरूप तमाम व्यापारियों ने आज अपनी दुकानों का शट डाउन कर दिया है, बाकायदा आपको ताला नजर आ जाएगा। और उनकी कोशिश यही है कि एक मैसेज दिया जाए सरकार को कि अगर सीलिंग जल्द से जल्द नहीं रोकी गई तो फिर व्यापारी सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। और इसी के चलते आप देखिए कि बैंक्स या रेस्टोरेंट्स को अगर आप छोड़ दें तो उसके अलावा ज़्यादातर दुकानों के शटर आपको बंद नजर आएंगे, ताले उनमें देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर व्यापारी आज अपने परिवार के साथ अपने कर्मचारियों के साथ रामलीला मैदान में इकट्ठा है और आज दिन भर वहाँ पर एक बड़ा महा आंदोलन होगा। और व्यापारी चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसी सत्र में अध्यादेश लेकर आए ताकि सीलिंग पर रोक लगे, दिल्ली सरकार भी विधानसभा में बिल पास करे और कोशिश उनकी यही है व्यापारियों की कि कम से कम एक साल के लिए इस सीलिंग की प्रक्रिया पर पूरी तरह से रोक लग जाए। जब तक के व्यापारियों को राहत नहीं मिलेगी वो इसी तरह सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। और क्योंकि व्यापार अगर ठप्प होगा तो उसका खामियाजा भी दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग को उठाना पड़ेगा।